हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में टेंडोफाइट पूरा ख़त्म हो गया था, आज हम देखेंगे जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, तो देखो जिम्नोस्पर्म क्या है। सबसे पहले तो इसका मीनिंग लिखा है, जिम्नोस मतलब नेक्ड, स्पर्म मतलब सीड्स। नेक्ड मतलब जो हमें आँखों से दिख सकते हैं, ऐसे दिखने वाले सीड्स है इसमें, जो इनक्लोज नहीं है किसी के अंदर, इसलिए इसको बोल रहे हैं जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, अब देखो ये इनक्लोज किसके अंदर नहीं है, ओवरी वॉल के अंदर, ऐसे एक्सपोज रहते वो, रिमेन एक्सपोज। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी, बिफोर फर्टिलाइजेशन भी। तो देखो इसलिए इसे नेक्ड बोल रहे हैं। अब इसमें ट्रीज़ कैसे होते, देखो मीडियम साइज ट्रीज़ होते हैं, टॉल ट्रीज़ भी होते हैं, श्रब्स भी होते हैं। ओके, अब जो सबसे बड़ा जायंट रेडवुड ट्री है जिम्नोस्पर्म में, जो जिम्नोस्पर्मिक ट्री है, जिसका नाम है सिक्वोया। ठीक है, सब अपना अपना प्रोनाउंस करते हैं, सिक्वोया। ठीक है, जो टॉलेस्ट ट्री है ये स्पेसीज़ का, जिम्नोस्पर्म में जो सबसे बड़ा जायंट रेडवुड ट्री है जिसका नाम है सिक्वोया, इट इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट स्पेसीज। ओके, टॉलेस्ट ट्री। तो यहाँ इसके जो रूट्स हैं, जनरली टैप रूट्स होते हैं, सबको पता होगा कि एक तो टैप रूट्स होते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं, तो इनके रूट्स होते हैं टैप रूट्स। फिर इनके रूट्स जो फंगल एसोसिएशन फॉर्म करते हैं, ठीक है, रूट जो फंगाई के साथ एसोसिएशन फॉर्म करते हैं, इसको बोल रहे हैं माइकोराइजा पाइनस। ठीक है, माइकोराइजा के साथ, माइकोराइजा बोलते हैं ऐसे फॉर्म को, और एग्जांपल में क्या है, पाइनस। पाइनस के जो रूट्स है वो फंगाई के साथ एसोसिएशन फॉर्म करते हैं, और ऐसे एसोसिएशन को बोलते हैं माइकोराइजा। अब देखो काइकिस नाम के, साइकिस भी बोलते हैं लोग, साइकिस काइकिस प्रोनाउंस करते हैं इसको। तो ये प्लांट में जो रूट्स है उनके स्पेशलाइज रूट्स है, जिसको बोल रहे हैं कोरेलॉइड रूट्स, जो एंटू फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन फॉर्म करते हैं। मतलब देखो जो पाइनस के रूट्स है वो फंगाई के साथ फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, और जो साइकिस के रूट्स है वो साइनोबैक्टीरिया के साथ कर रहे हैं। तो सी साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, और साइकिस के रूट को बोल रहे हैं कोरेलॉइड रूट, रूट से भी सी से स्टार्ट हो रहे हैं। और जो पाइनस है उसके रूट्स जो है वो फंगाई के साथ एसोसिएशन फॉर्म कर रहे हैं, जिसको फंगल एसोसिएशन माइकोराइजा बोल रहे हैं। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब देखो स्टेम्स की बात आई, रूट्स की बात हो गई, टैप रूट्स है और क्या क्या एसोसिएशन फॉर्म कर रहे हैं। अब स्टेम की बात देखो कि स्टेम साइकस में अनब्रांच होते हैं, कोई ब्रांच नहीं होते, लेकिन ब्रांच किस में होते हैं, पाइनस और सिड्रस में। तो याद रखना कि अनब्रांच रूट्स साइकस में होते हैं और ब्रांच रूट्स पाइनस और सिड्रस में होते हैं। हो गया रूट, हो गया स्टेम, हो गया, सॉरी स्टेम की बात हो रही थी, ब्रांच रूट और अनब्रांच रूट। रूट हो गया कि टैप रूट होते हैं, और स्टेम भी हो गया कि ब्रांच साइकस में होते हैं और अनब्रांच साइकस में होते हैं, ब्रांच पाइनस और सेड्रस में होते हैं। ठीक है, अब लीव्स की बात आ जाओ कि लीव्स सिंपल हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं। सबको पता है सिंपल क्या है, कंपाउंड क्या है। ठीक है, सिंपल रूट, सिंपल लीफ मतलब ऐसे लीव्स जो कट नहीं है लामिना तक, और कंपाउंड लीफ जो जिसके लामिना तक कट है। ठीक है, साइकिस में जो है पिन्नेट लीव्स होते हैं, पिन्नेट कैसे, पिन्नेट भी कंपाउंड लीव्स ही होते हैं, जो कि कुछ ईयर तक परसिस्टेंट होते हैं। अब देखो जिम्नोस्पर्म के लीव जो है वेल अडाप्टेड है, मतलब हाई टेम्परेचर रहो, ह्यूमिडिटी वाइंड, वो हर टेम्परेचर में अडाप्ट है अलग अलग वेज में। जैसे कॉनीफर्स जो है इनके पास नीडल लाइक लीव्स है, जो कि सरफेस एरिया को रिड्यूस कर रहा है। सरफेस एरिया को रिड्यूस क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे वाटर कम है, वाटर का इवोपरेशन ज़्यादा ना हो, इसलिए नीडल जैसे लीव्स है जो सरफेस एरिया कम कर रहा है, जिसकी वजह से वाटर का इवोपरेशन भी कम होगा। किसकी बात हो रही है, किस में, कॉनीफर्स में। उसके बाद किसके पास थिक क्यूटिकल होते हैं, संकन स्टोमेटा, ये भी वाटर का लॉस रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो हमने रूट देख लिए, टैप रूट, स्टेम देख लिए, ब्रांच अनब्रांच, और लीव्स भी देख लिए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं स्पोर्स के बारे में। तो हमने टेरिडोफाइट में देखे, यहाँ पे हेटरोस्पोरस होमोस्पोरस होते हैं, यहाँ पे हेटरोस्पोरस ही है सिर्फ, मतलब मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर बनाते हैं, दो टाइप के स्पोर्स बना रहे हैं, डिफरेंट टाइप के स्पोर्स। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स है जो स्पोरांजिया में प्रोड्यूस हो रहे हैं। स्पोरांजिया कहाँ पे, स्पोरोफिल्स में, मतलब स्पोरोफिल्स में स्पोरांजिया है, स्पोरांजिया में स्पोर्स बन रहे हैं। ठीक है, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर। हमने ये टेरिडोफाइट में ये भी पढ़े थे कि कोन्स और स्टोबेलाई क्या है, क्या है, कॉम्पैक्ट
स्ट्रक्चर है स्पोरोफिल्स का, जिसको कॉन्स और स्ट्रोबेलाई बोल रहे हैं। टेरोफाइट में आपको एग्जांपल याद होगा स्ट्रोबेलाई और कॉन्स का, क्या है एग्जांपल ये याद होना चाहिए, सेलाजिनेला और इक्विसेटम। ठीक है, अब देखो जो स्ट्रोबेलाई या कॉन्स जिसकी बात हो रही है, माइक्रोस्पोरोफिल या माइक्रोस्पोरेंजिया वाले को मेल स्ट्रोबेलाई बोलेंगे। ठीक है, और इसका जो गैमेटोफाइट है वो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जो माइक्रोस्पोर्स है वो डेवलप होंगे मेल गैमेटोफाइट में, माइक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोरेंजियो और माइक्रोस्पोरोफिल्स वालों को मेल स्ट्रोबेलाई बोल रहे हैं, और इनके माइक्रोस्पोर्स जो डेवलप होंगे मेल गैमेट्स में, और ये गैमेटोफाइट को बोल रहे हैं पोलन ग्रेन। ठीक है, वैसे ही मेगा स्पोरोफिल या मेगा स्पोरेंजिया जो है इसको, ये इसको बोल रहे हैं फीमेल स्ट्रोबेलाई। तो मेगा आएगा तो आपको याद रखना है कि फीमेल की बात हो रही है, माइक्रो आ रहा है तो याद रखना है मेल की बात हो रही है। ठीक है, अब देखो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है, मेल एंड फीमेल कॉन्स जो है वो सेम प्लांट में भी हो सकता है, डिफरेंट में भी। अगर सेम में रहा दोनों भी तो हम बोलेंगे बाईसेक्सुअल, और अगर डिफरेंट में रहा तो बोलेंगे ये यूनिसेक्सुअल। ठीक है, बाईसेक्सुअल को मोनोशियस भी बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल को डायशियस भी बोलते हैं। तो अभी देखो मेल और फीमेल कौन सेम ट्री में है, ठीक है, वो किस में है, पाइनस में। ठीक है, लेकिन साइकस में मेल और फीमेल जो है वो डिफरेंट पे है। तो याद रखो पाइनस में सेम ट्री पे है लेकिन साइकस में डिफरेंट है, सी डी पी एस। ओके, अब देखो यहाँ से कुछ इम्पॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग भी। द मेगा स्पोर मदर सेल इज़ डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूसेलिस। न्यूसेलिस होता है, न्यूसेलिस के सेल से मेगा स्पोर मदर सेल बना। न्यूसेलिस क्या है, न्यूसेलिस इज प्रोटेक्ट बाय एनवेलप एंड कंपोजिट स्ट्रक्चर इन इज कॉल्ड एन ओव्यूल। न्यूसेलिस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप, न्यूसेलिस एक प्रोटेक्ट है एनवेलप से और ओव्यूल से भी। ओव्यूल क्या है, ओव्यूल किस में बॉर्न हुए, मेगा स्पोरोफिल में। ठीक है, विच में भी क्लस्टर टू फॉर्म फीमेल कॉन्स, जो फीमेल कॉन्स बनाने वाले हैं। मेगा स्पोरोफिल में फीमेल कॉन्स मतलब फीमेल स्ट्रोबेलाई होते हैं। अब देखो मेगा स्पोर मदर सेल जो है वो मियोटिकली डिवाइड होगी और मेगा स्पोर बनाएगी। ठीक है, मेगा स्पोर बनाएगी मियोटिकली डिवाइड होके, और मेगा स्पोर किस में के अंदर है, मेगा स्पोरेंजिया में, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। यहाँ पे हमने देखे थे कि जो ऊपर के में माइक्रोस्पोर जो डेवलप हो रहा है क्या बना रहा है, मेल गैमेटोफाइट। तो वैसे ही मेगा स्पोर क्या बना रही है, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, क्लियर है ये। अब देखो देखो यहाँ पे लिखा है मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट जिसमें दो से ज़्यादा आर्जिगोनिया होगी जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ये कंप्लीट हो गया, ये हो गया रिप्रोडक्शन के बारे में। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के जैसा इनके पास मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का डिफरेंट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट नहीं है, फ्री लिविंग एग्जिस्टेंट नहीं है। इनके पास जो गैमेटोफाइट है मेल और फीमेल गैमेटोफाइट, ये हमने क्या देखे, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में गैमेटोफाइट क्या होते हैं, फ्री होते हैं, फ्री लिविंग, राइट। लेकिन जिम्नोस्पर्म में वो फ्री लिविंग नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, दे आर डिपेंडेंट। ओके, और क्या है इम्पॉर्टेंट कि वो रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट। द पोलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजिया, दे आर कैरीड इन एयर एंड कम इन कॉन्टैक्ट विद ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल बॉर्न ऑन मेगा स्पोरोफिल। मतलब वो स्पोरेंजिया में ही रहते हैं, उसके बाद उनके स्पोर्स कॉन्टैक्ट में आते हैं और उनका पोलन ट्यूब जो है वो कैरी करता है मेल गैमेट आर्जिगोनिया के पास, जिसे यहाँ पे लिखा हुआ है, और डिस्चार्ज कर देता है उसको आर्जिगोनिया के माउथ के पास। ठीक है, और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। और हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि जाइगोट हर जगह पे किस में डेवलप होता है, जाइगोट बनने के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, और जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो बनता है। तो यहाँ पे और एक्स्ट्रा पॉइंट है, जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो एंड ओव्यूल्स इनटू सीड्स। और ओव्यूल्स किस में बनते हैं, सीड्स में। ठीक है, और हम जिम्नोस्पर्म पढ़े थे, और जिम्नोस्पर्म का मतलब ये है कि सीड जो है वो अनकवर्ड है, तो इसके सीड्स भी कवर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। यहाँ पे हमारे पास डायग्राम्स गिवन है, पहला ट्री, दूसरा और तीसरा। क्या है ये, ये है साइकस, इट इज़ पाइनस, और ये है जिंको। ठीक है, तो ये आपको ये डायग्राम्स भी याद करने, ये भी पूछे जाते हैं। एंड वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, समझ में आया है या नहीं, देखो फिर से देखो वीडियो को पहले जाके, क्यों कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ डाउट है, कुछ डाउट हो तो कमेंट में बता देना। एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक करो।
सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.